जो जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदा आई है और उससे जो पीड़ित हैं, जिन लोगों की जानें गई हैं, उनके प्रति व्यक्त करता हूं। जहां तक जम्मू कश्मीर का प्रश्न है, आप सभी जानते हैं कि विगत 109 वर्षों में ऐसी प्राकृतिक आपदा जम्मू कश्मीर में कभी नहीं आई थी जैसी कि इस बार आई है। उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको मैं बाद में दूंगा, लेकिन हमारी सरकार के आने के बाद 100 दिनों के अंदर हमारे गृह मंत्रालय ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं उसकी जानकारी आपको देना चाहूँगा। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों के मंत्रीगण ने अपनी प्रेस वार्ता की है, आपको जानकारी दी है, और आज के दिन मैं अपने गृह मंत्रालय की उपलब्धियों की जानकारी आपको दूंगा। विगत 100 दिनों के अंदर जो कुछ भी हम लोगों ने किया है, उसका आधार हमने बनाया है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो भी हमने प्रमुख घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं की को पूरा करने की दृष्टि से हमने कुछ प्रमुख पहल की है। क्योंकि हमारी ये दृढ़ मान्यता है कि चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, अथवा कोई भी क्षेत्र हो, उसमें क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वास का संकट नहीं पैदा होना चाहिए। वर्ड्स और डीड्स, इनमें अंतर नहीं होना चाहिए। और भारत की राजनीति का सबसे बड़ा चैलेंज मैं यही मानता हूं कि वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने का, उसी के परिणाम स्वरूप यह क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है। और हमारी सरकार ने भारत की राजनीति में पैदा हुए इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है। हमने जो कहा है वही हमने करने की कोशिश की है। यहाँ तक होम मिनिस्ट्री का प्रश्न है, होम मिनिस्ट्री के मैंडेट के बारे में आप सबको जानकारी है, लेकिन विशेष रूप से इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटर स्टेट रिलेशंस और यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ह्यूमन राइट्स और वीज़ा रिलेटेड इशूज, और साथ ही साथ सेंसस रिलेटेड इशूज, और इसके अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस का मैनेजमेंट, यह सब सारे मैंडेट हमारे होम मिनिस्ट्री की है, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के प्राकृतिक आपदा के संबंध में। यह एक प्रकार की राष्ट्रीय आपदा है। मैं सराहना करना चाहता हूँ भारत के सेना के जवानों का, चाहे वह आर्मी के जवान रहे हों, चाहे इंडियन एयरफोर्स के रहे हों, चाहे हमारे नेवल फोर्स के रहे हों, और साथ ही साथ हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के NDRF के जवान रहे हों। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और अब तक जम्मू कश्मीर में लगभग 1,30,000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, और अब भी यह निरंतर सेवा सेना के तीनों विंगों के द्वारा और साथ ही गृह मंत्रालय के NDRF के द्वारा जारी है। 90,000 के आसपास लोगों को रेस्क्यू करने का काम सेना के तीनों विंगों के नौजवानों ने किया है, और NDRF के नौजवानों ने लगभग 34,000 लोगों को रेस्क्यू करने में कामयाबी हासिल की है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर का दौरा मेरा हुआ था, और आकर जब मैंने प्रधानमंत्री जी को वहाँ की वस्तुस्थिति के संबंध में जानकारी दी, प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि मैं कल ही वहाँ पर जाऊँगा, और जम्मू कश्मीर की स्वयं यात्रा प्रधानमंत्री जी ने की। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर को इस संकट की घड़ी में मदद करने का प्रश्न है, मैंने पहले ही कहा था कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में स्टेट गवर्नमेंट के पास इस समय 1,100 करोड़ उपलब्ध हैं। और मैं यह जानकारी देना चाहता हूं आपको कि SDRF में 90% कंट्रीब्यूशन यदि किसी का होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। मैंने वहां के मुख्यमंत्री जी को कहा था कि इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जितना कर सकते हैं लोगों को रेस्क्यू करने में, लोगों को रिलीफ पहुंचाने में, उसका यूटिलाइजेशन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। लेकिन इस अमाउंट के होते हुए भी प्रधानमंत्री जी ने दूसरे दिन जम्मू कश्मीर में जाकर 1,000 करोड़ रुपए की स्पेशल पैकेज की भी घोषणा की,
और साथ ही साथ यह आश्वस्त किया वहाँ की राज्य सरकार को कि रेस्क्यू और रिलीफ के लिए हम किसी भी सूरत में धन की कमी नहीं आने देंगे। यह निरंतर सिलसिला जारी है और हमारे होम मिनिस्ट्री ने बहुत ही इस दृष्टि से प्रोएक्टिव और रेस्पॉन्सिव पॉलिसी अपनाई है और जितना इमीडिएट एक्शन हो सकता था होम मिनिस्ट्री के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा हम लोगों ने वह एक्शन किया है और डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर भी हमारी सरकार बहुत गंभीर है। मैं बहुत यदि आप चाहेंगे तो डिटेल में भी जानकारी दूंगा आपको कि अब तक जम्मू कश्मीर में डिजास्टर के चैलेंज को मीट आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया है और आगे क्या क्या हम कर रहे हैं इसकी डिटेल जानकारी देंगे। मैंने भी गृह मंत्रालय की तरफ से भी बराबर समीक्षा की थी प्रतिदिन और उसके बाद परसों हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी गृह मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाकर भी उन्होंने इसकी समीक्षा की है और इस समय हमारे होम सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर में ही स्टे कर रहे हैं और पूरी जो कुछ भी वहाँ पर रेस्क्यू और रिलीफ का काम चल रहा है उसको उनके द्वारा रिव्यू भी किया जा रहा है। साथ ही हमने एक नई पॉलिसी के तहत सिविल डिफेंस को डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से जोड़ने के लिए 20 अगस्त को यानी पिछले महीने 2090 करोड़ रुपए की एक नई स्कीम बनाई है। अब सिविल डिफेंस को डिजास्टर मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण अंग बना दिया गया है। इंटरनल सिक्योरिटी का जहां तक सवाल है, चैलेंजेज हमारे सामने माओइज्म के हैं जिसे कहते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, उसका भी बहुत बड़ा चैलेंज है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का चैलेंज है और नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंट्स के का चैलेंज है यानी इंसर्जेंसी की एक मेजर प्रॉब्लम है। इन सारे चैलेंजेस को बीट आउट करने के लिए हम लोग अपनी पॉलिसी तैयार कर रहे हैं और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के चैलेंज को मीट आउट करने के लिए संभवतः पहली बार एक बहुत ही कंप्रेहेंसिव पॉलिसी हम लोगों ने बनाई है और कंप्रेहेंसिव एक्शन पॉलिसी भी बनाई है जिसको आज हम फाइनल शेप देंगे। पॉलिसी बन चुकी है, आज ही फ्राइडे के दिन हम उसे फाइनल शेप हम देने जा रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट के संबंध में भी आगामी 15 से लेकर 20 दिनों के अंदर जो हमारी पॉलिसी बनी है उसको भी हम फाइनल शेप देंगे। जम्मू कश्मीर के संबंध में भी हमारी पॉलिसी बन चुकी है, उसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स और बहुत सारे हमारे फॉर्मर रिटायर्ड ऑफिसर्स जिनका अनुभव है इन क्षेत्रों में उनको बुलाकर उनसे भी राय परामर्श करके उसको हम फाइनल से बहुत ही जल्दी देने वाले हैं। एक मेजर अचीवमेंट जो हमारा रहा है अब तक नॉर्थ ईस्ट में, आप सबको जानकारी है कि मणिपुर में वहाँ एक यूनाइटेड नागा फ्रंट है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इकोनॉमिक ब्लॉकेट की घोषणा की थी। इकोनॉमिक ब्लॉकेट सामान्यतः इसके पहले जब भी हुआ है नॉर्थ ईस्ट में वह महीने दो महीने तीन महीने से भी अधिक समय तक बराबर चला है, लेकिन कल ही यह इकोनॉमिक ब्लॉकेट समाप्त हुआ है और 5 से लेकर 6 दिन के अंदर ही इस इकोनॉमिक ब्लॉकेट को समाप्त करने में हम सबको कामयाबी हासिल हुई है। जितने भी इस प्रकार के चैलेंजेज हैं उस चैलेंजेज को मीट आउट करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी जितनी उसकी स्ट्रेंथनिंग हो सकती है अधिक से अधिक उसकी स्ट्रेंथनिंग करने की हम लोगों की तरफ से कोशिश पूरी तरह से की जा रही है और एडिशनल पैरामिलिट्री फोर्सेस की बटालियंस भी हम गठित कर रहे हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस की फोर्स का समय समय पर ट्रेनिंग भी उनकी चलती रहती है ताकि उनकी इफिशियंसी को जो है बढ़ाया जा सके। एक मेजर उपलब्धि जो हमारी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित क्षेत्रों की रही है उसकी भी जानकारी आपको दूंगा मैं। 26 मई से लेकर 15 अगस्त के बीच करीब 132 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है
इतने ही टाइम स्पैन में आज तक इतना आत्मसमर्पण कभी नहीं हुआ है जितना कि आत्मसमर्पण इन 100 दिनों के अंदर माओवादियों ने किया है। इसके अतिरिक्त जबकि इसी अवधि में आपको जानकारी देना चाहता हूं, पिछले वर्ष सरेंडर करने वालों की संख्या केवल 44 थी और इस साल वह बढ़कर 132 हो गई है। और गृह मंत्रालय में 27 जून को मैंने LWE प्रभावित राज्यों के जितने भी चीफ सेक्रेटरीज हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं और साथ ही साथ सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो DGs हैं, इनकी भी बैठक हमने बुलाई थी। और हमारा इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान LWE के चैलेंज को मीट आउट करने के लिए कैसा होना चाहिए, इसके संबंध में विस्तृत चर्चा की थी और इनको किस प्रकार का रोल प्ले करना है अपनी अपनी स्टेट्स में, चीफ सेक्रेटरीज को और DGs को, उसके संबंध में भी आवश्यक इंस्ट्रक्शंस लगभग 2 महीने पहले इन सारे लोगों को दिए जा चुके थे। और साथ ही साथ कम्युनिकेशन सिस्टम को इस LWE प्रभावित क्षेत्रों में हमने स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। आपको जानकर खुशी होगी कि मोर देन 2199 मोबाइल टावर भी लगाने का हम लोगों ने फैसला किया है और यह काम वहाँ प्रारंभ भी अब हो चुका है IT डिपार्टमेंट के द्वारा, ताकि कनेक्टिविटी उन क्षेत्रों से बराबर बने रहे और उस क्षेत्र के रहने वालों की भी एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनी रहे, इस दृष्टि से यह फैसला हम लोगों ने किया है। सिम्मी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जानते हैं, सिम्मी पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ था लेकिन हम लोगों ने इस प्रतिबंध को आगे 5 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया है। अभी हाल में एक अलकायदा की CD की जानकारी आप लोगों को मिली है, लेकिन जहाँ तक इस अलकायदा की CD के ऑथेंटिसिटी का सवाल है, उसको अभी हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं, डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा उसका एग्जामिनेशन हो रहा है, उसके ऑथेंटिसिटी के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि चाहे इंटरनल सिक्योरिटी के फ्रंट पर कितना भी बड़ा चैलेंज क्यों न हो, उस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए हमारा गृह मंत्रालय पूरी तरह से तैयार है, देशवासियों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य में जानकारी यहां पर देना चाहूंगा कि अब तक हमारी MHA ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो कुछ भी तैयारी की है, एक तो लीगल फ्रेम प्रोटेक्ट लैंड एंड कोस्टल बॉर्डर, यह 6 प्रॉन्ज्ड हमारी ये तैयारी हुई है। डिमार्केशन ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द कोस्टल पुलिस स्टेशन 7 स्टेट्स एंड UTs नोटिफाइड, इन्हें नोटिफाई किया जा चुका है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फोर्समेंट एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अंडर मैरिटाइम एक्ट्स, इमिग्रेशन चेक्स वेयर टाइटेंड फॉर दाऊज, जो ये कपड़े के नावों के ऊपर लगे होते हैं उन्हें, उसको दाऊज बोलते हैं, उनका भी आइडेंटिफिकेशन कर लिया है हम लोगों ने। और फॉर स्ट्रेंथनिंग बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस एंड स्टेट पुलिस बाई प्रोवाइडिंग मैन पावर ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट, हम लोगों ने यह फैसला किया है कि गुजरात में एक मैरीटाइम पुलिस ट्रेनिंग सेंटर यह खोला जाए। कल हमारी गुजरात गवर्नमेंट के लोगों से भी बातचीत हुई है और हम लोगों ने कहा है कि जितनी जल्दी वहाँ पर ज़मीन उपलब्ध करा दी जाएगी, हम इसके लिए आवश्यक जो धनराशि है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें उपलब्ध कराएंगे। और क्रिएटिव इफेक्टिव एंड क्वालिटी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इन टाइम बाउंड मैनर टू प्रोटेक्ट लैंड एंड द कोस्टल बॉर्डर, इस हेड के अंतर्गत हम लोगों ने लगभग 34 किलोमीटर रोड्स और 34 किलोमीटर की फेंसिंग और 97 किलोमीटर फ्लड लाइटिंग और 17 बॉर्डर आउटपोस्ट विद इन 100 डेज बनाए। 100 दिनों के अंदर इतना काम हम लोगों ने बॉर्डर मैनेजमेंट की दृष्टि से किया है। और बॉर्डर प्रोजेक्ट के लिए 650 करोड़
यह फंड अप्रूव हुआ है, और यह भी जानकर आपको खुशी होगी कि केवल अप्रूव ही नहीं हुआ है बल्कि इसमें से 520 करोड़ हम लोगों ने इसे रिलीज कर दिया है। पिछले वर्ष एक भी पैसा इस बॉर्डर प्रोजेक्ट के लिए न अप्रूव हुआ था, रिलीज होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। एक ड्राफ्ट पॉलिसी भी हम लोगों ने बनाई है फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस फॉर बॉर्डर प्रोजेक्ट, और इसको हमने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट उसके पास भेजा था। मैंने स्वयं कंसर्न मिनिस्टर को पत्र भी लिखा था, और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि उन्होंने क्लियरेंस दे दिया। मैंने बॉर्डर के 100 दोनों तरफ यदि हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसके लिए हमको एनवायरनमेंट क्लियरेंस की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और साथ ही जो पेट्रोलिंग और सर्विलेंस से रिलेटेड बॉर्डर की पॉलिसी है उसको भी हमने इनहांस किया है। क्लियर डायरेक्शंस दिए गए हैं क्रॉस बॉर्डर फायरिंग को डील करने के लिए, और आपने देखा होगा कि जिस समय पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया था तो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने कितनी बहादुरी के साथ उसका मुकाबला किया था, और उन्होंने उसके हौसले भी पस्त किए थे। सर्विलेंस की इसको इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए सर्विलेंस को, हमने कुछ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस भी निकाल चुके हैं, और हम दे रहे हैं टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस टू इंक्रीज द सर्विलेंस। और टेरेन स्पेसिफिक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर भी होम मिनिस्ट्री के द्वारा तैयार किया जा रहा है। मैंने पूरी तरह से रिव्यू किया है लैंड और कोस्ट बॉर्डर्स की जो इस समय की सिचुएशन है, और मैं स्वयं बॉर्डर्स पर मैं स्वयं जा रहा हूं, और जो भी वल्नरेबल एरियाज हैं उन सब सारे वल्नरेबल एरियाज को स्वयं मैं अपनी तरफ से देख रहा हूं, और वहां पर एक्शन लिए जा सकते हैं, और टाइम बाउंड मैनर में इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं और कदम उठा रहे हैं। चौथा मैंडेट जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, वीजा रिलेटेड और सिटीजनशिप रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसकी भी जानकारी आपको देना चाहता हूं। एक ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन सिस्टम भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है, और यह पिछले 3 महीनों में ही चालू किया गया है। अब पूरे दुनिया के 152 एम्बेसीज में यह सुविधा हो गई है। वीजा की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 12 जो इंडियन एम्बेसी इधर 100 दिनों के अंदर वहां पर ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन सिस्टम ये प्रारंभ किया है। होम मिनिस्ट्री ने जो हमारे हवाई अड्डे हैं ऐसे 9 हवाई अड्डों पर टूरिस्ट वीजा ऑन अराइवल यह भी सिस्टम प्रारंभ